हेलो फ्रेंड्स, जियोलॉजी कॉन्सेप्ट में एक बार फिर आपको स्वागत है। और आज हम स्टेटाग्राफिक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोंडवाना सुपर ग्रुप, जो कि स्टेटाग्राफिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चन देखे गए हैं। और उससे पहले हम बता रहे हैं, हमारी वेबसाइट जियोलॉजी कॉन्सेप्ट पर एज पर ह्यूज डिमांड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर गेटनेट 2020 बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अक्टूबर हेयर। अक्टूबर इज गोइंग टू स्टार्ट, तो वी हैव टू कवर ऑल द सिलेबस रिगार्डिंग नेट, गेट as well as GSI also. So for those who are willing to join, can contact us on this given WhatsApp number. The important thing to know about this crash course is you can attend from anywhere. आप इसे कहीं से भी attend कर सकते हैं. So you can save your time as money. And the important thing is online test series इसमें include रहेंगी, जिससे कि topic complete होता रहे और subjective wise test लगाते रहेंगे. और वीकली डाउट सेशन इंक्लूड रखे जाएंगे, जिससे कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का गोंडवाना सुपर ग्रुप। तो गोंडवाना सुपर ग्रुप की अगर बात करते हैं हम, दैट इज गोंडवाना। तो गोंडवाना टर्म वॉज कॉइंड बाय द एच वी मेटलिकॉट इन 1872। सो बेसिक थिंग टू नो अबाउट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज, हम इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे गोंडवाना के वो डिस्कस करने वाले हैं। सो इसकी एज इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये हमारा लाई करता है अपर कार्बोनिफेरस टू लोअर क्रिटेशियस, यानी कि पैलेजोइक एरा में अपर कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस, देन मीसोजोइक में आ जाता है, दैट इज ट्रायसिक, जोरासिक एंड क्रिटेशियस, वो भी लोअर क्रिटेशियस। तो ये पूरा कवर करता है हमारा गोंडवाना सुपर ग्रुप। ये लाई कहाँ पर करता है, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जनरली अलोंग द थ्री लीनियर ट्रैक दैट आर सोन दामोदर वैली, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोन दामोदर, अलोंग द महानदी, हियर अलोंग द महानदी एंड अलोंग द गोदावरी एंड वृद्धा वैली, दैट इज समवेयर अराउंड हियर एंड कवरिंग सम पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑल्सो एंड हियर एंड दिस साउथ पार्ट ऑल्सो सम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लिथोलॉजी की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें से लास्ट में हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर गेट के, जो कि आप इजीली अगर वीडियो देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ प्रीवियस ईयर गेट। सो गोंडवाना सुपर ग्रुप मेड 6 to 7 किलोमीटर थिक सक्सेशन है, फ्लुविटाइल एंड लैकुस्टाइन ऑरिजिन है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं इसके लोअर गोंडवाना में। जैसे कि अगर बात करें हम इसकी, गोंडवाना इज डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन, दैट इज लोअर गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना की बात करें तो ये कैसा है, ग्लेशियल ओरिजिन है। ग्लेशियल ओरिजिन हम कैसे बता सकते हैं, बिकॉज ग्लेशियर, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ बोल्डर, ग्लेशियर बोल्डर बेड, द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर बोल्डर बेड इंडिकेट दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इट वॉज ग्लेशियर इन्वायरमेंट। तो ग्लेशियल डिपॉजिट अकर एट द बेस, इंटरग्लेशियंस आर फॉसिलिफेरस मराइन बेड, जैसे कि हमने बताया, इन द लोअर एंड द अपर पार्ट ऑफ द सक्सेशन। चीफ रॉक टाइप की अगर हम बात करें इसमें, जो मेजर रॉक्स मिलते हैं दैट इज सैंडस्टोन, शेल, क्ले, कॉन्ग्लोमेरेट एंड इम्पॉर्टेंट इज कोल सीम्स। दस द इम्पॉर्टेंट कोल सीम्स ऑफ इंडिया कम्स अंडर गोंडवाना। किस टाइप के होते हैं, दैट इज बिटुमिनस टाइप, मेजरली बिटुमिनस टाइप के मिलते हैं इसमें। और क्लासिफिकेशन हमने बताया जैसे कि टू टाइप में है, थ्री फोल्ड भी दिया गया था बट द एक्सेप्टेड वॉज विज टू फोल्ड, दैट इज लोअर गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना। हमने यहाँ पर मैंशन किया है लोअर एंड अपर गोंडवाना। तो लोअर गोंडवाना बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरा, किसके प्रेजेंस पर माना जाता है लोअर गोंडवाना, मतलब इंडिकेटर्स जो है अगर बात करें तो इंडिकेटर, तो एक तो जैसे कि हमने बताया कुछ बोल्डर बेड्स वगैरह ये हो गए, ये तो इंडिकेटर हो गए। इसमें से कुछ फ्लोरा एंड फौना की बात करें, दैट इज ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा। ये ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा क्या होता है, लोअर गोंडवाना का इंडिकेटर है, प्रेजेंस ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा। इसके साथ साथ हो जाते हैं ग्लॉसोप्टेरिस इंडिका एंड वर्टिब्रेरिया इंडिका, ये इंडिकेटर्स हैं। और अपर की बात करें तो टीलोफाइलम फ्लोरा जो होता है, ये इंडिकेटर हो जाता है अपर गोंडवाना का। अब बात करते हैं इसके सक्सेशन की। तो सक्सेशन में लोअर गोंडवाना, जैसे कि हमने बताया लोअर गोंडवाना सब डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्मेशंस, दिस इज सुपर ग्रुप, दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, तालचीर ग्रुप, दामोदा एंड पंचेत। तालचीर फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे, अब तालचीर इस बेसल, जैसे कि बताया भी हमने ग्लेशियर बोल्डर बेड, तो तालचीर में क्या मिलते हैं हमारे, बेसल बोल्डर बेड, अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ शेल, अल्टरनेट सीक्वेंस इसका मिलता है शेल का एंड
सिल्टिस्टोन, सिल्टिस्टोन। अब बात करेंगे ना इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है दामोदर ग्रुप, अभी बताते हैं। तो दामोदर ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कोल, फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर फॉर्मेशन, दैट इज करहरबरी के, आप याद रख सकते हैं के बी बी आर, के बी बी आर, जैसे करहरबरी, बराकर, बैरिन मेजर्स एंड रानीगंज फॉर्मेशन। करहरबरी की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो करहर फॉर्मेशन में क्या है, सैंडस्टोन विद ऑकेजनल कोल सीम्स, कोल सीम्स मिलते हैं सैंडस्टोन के साथ, सैंडस्टोन प्लस कोल सीम्स। बराकर फॉर्मेशन इज वेल नोन फॉर प्रेजेंस ऑफ सैंडस्टोन एंड थिक कोल सीम्स, इसमें भी मिलते हैं सैंडस्टोन प्लस थिक कोल सीम्स, जो कोल सीम की थिकनेस होती है इसमें हायर होती है। अब आता है बैरिन मेजर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये ऑड हो जाता है इन सब में, ऑड क्यों हो जाता है बिकॉज करबरी कोल मिलता है, बराकर में कोल मिलता है, रानीगंज में कोल मिलता है, ओनली दिस बैरिन मेजर डू नॉट कंटेन कोल, कोल इसमें कोल डिपॉजिट नहीं मिलते हैं बैरिन मेजर में, ये इसलिए इसमें से ऑड हो जाता है। इसमें क्या मिलता है, दैट इज आयरन स्टोन, आयरन स्टोन हो जाता है ये। एंड आयरन स्टोन के साथ साथ इसकी अगर बात करें बैरिन मेजर की, फेरुजीनस एंड ग्रे सैंडस्टोन, आयरन स्टोन शेल, एब्सेंस ऑफ कोल सीम्स, ये कुछ जैसे कि कोल सीम्स नहीं मिलते हैं आयरन स्टोन, आप बस इतना ध्यान रखिए आयरन स्टोन मिलता है और कोल सीम्स इसमें नहीं मिलते हैं। फिर आता है हमारा रानीगंज फॉर्मेशन, रानीगंज कोल, रानीगंज फॉर्मेशन में हमारी वेल नोन माइन है रानीगंज कोल माइन, जिसको हम पढ़ते हैं माइनिंग जियोलॉजी एंड कोल में, आगे कोल एंड पेट्रोलियम में ही पढ़ेंगे। तो रानीगंज फॉर्मेशन ये आता है अंडर दामोदर ग्रुप। अब इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट एज की, इंपॉर्टेंट एज की बात करें तो लोअर परमियन में आ जाता है ये हमारा करबरी, और ये आपका सीधा तालचीर फॉर्मेशन आ जाता है, दैट इज लोअर परमियन तालचीर। अब बात करेंगे मिडिल की, जैसे करबरी से लेकर ये बराकर मेजर, बैरिन मेजर तक, ये हमारा ये दिस रीजन, इसको दूसरे कलर से इंडिकेट करते हैं सो इट विल बी इजी। सो दिस, दिस वाला ये पार्ट जो होता है करहरबरी, बराकर एंड बैरी मेजर कम्स अंडर मिडिल परमियन, दैट इज कम्स अंडर मिडिल परमियन। एंड बात करते हैं रानीगंज की, तो रानीगंज इज, और इसको ऑल्सो नोन एज, ये रानीगंज को एक और नाम से जाना है, दैट इज कमथी, यस दैट इज, दैट इज कमथी फॉर्मेशन। कमथी फॉर्मेशन इसकी एज हो जाती है अपर परमियन, दैट इज अपर परमियन रानीगंज। अब बात करते हैं पंचेत ग्रुप की, तो जैसे कि बताया तीन ग्रुप में डिवाइड, तालचीर, दामोदर, पंचेत, दामोदर फर्दर डिवाइडेड टू केबीवीआर, देन फर्दर पंचेत डिवाइडेड टू पंचेत फॉर्मेशन एंड सुपरा पंचेत फॉर्मेशन। पंचेत किसके लिए जाना जाता है, पंचेत इज रेड सैंडस्टोन, इट इज वेल नोन फॉर रेड, रेड सैंडस्टोन, दैट इज रेड स्टोन, सैंडस्टोन फॉर पंचेत। एंड सुपरा पंचेत फॉर्मेशन में कॉन्ग्लोमेरेट बेड्स, रेड क्ले एंड फेरुजीनस सैंडस्टोन। अगर बात करें लोअर गोंडवाना में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा दामोदर ग्रुप, ये इसके बारे में आपको सारे पॉइंट जो हमने बताए इंपॉर्टेंट है ये पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कम्स ओनली अंडर दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, सो दैट इज यस, कुछ इंपॉर्टेंट कोल सीम्स जो दामोदर में आते हैं, दामोदर वैली रानीगंज में, दैट आर रानीगंज जो कि हमने बताया अभी, झरिया कोल माइन, बोकारो, बोकारो में वेल नोन स्टील प्लांट भी है, करनपुरा कोल, रामगढ़, जंतिया एंड गिरिधि बेसिन्स, दीज आर कम्स अंडर, देख सकते हैं आप यहाँ पर दामोदर ग्रुप में। अब बात करते हैं अपर फॉर्मेशन की, अपर गोंडवाना की, दैट इज अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना में कुछ फॉर्मेशन सब डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मेजरली वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफाइंड है, जैसे कि कुछ बुक्स में इसमें डिफाइंड भी किया हुआ है, जैसे कि अपर गोंडवाना की अगर बात करें, अपर गोंडवाना इज फर्दर डिवाइड इनटू महादेव, राजमहल एंड जबलपुर ऑल्सो, ये भी ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो सम स्टैंडर्ड बुक्स। सो हम बात करेंगे इसकी, ग्रेडेशनल कॉन्टैक्ट है अपर एंड लोअर, इधर लोअर गोंडवाना हो जाता है हमारा, दैट दैट इज पाली फॉर्मेशन, देन उसके बाद आता है पाली, टिक्की एंड परसोरा फॉर्मेशन, देन आफ्टर दिस
बंसा, लेमिटा एंड डेकन ट्रैप। पाली फॉर्मेशन की बात करें तो पाली इज वेल नोन फॉर रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, टिकी बेड्स। टिकी बेड्स पे पीछे लास्ट प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। टिकी बेड्स, लेमिनेशन ऑफ व्हाइट फाइन ग्रेन। इसकी एज हम बात करें अपर गोंडवाना तो इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी एज, अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बताएं परसोरा फॉर्मेशन में भी सिल्टस्टोन पेबल बेड्स वगैरह मिलते हैं। इसकी एज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज जनरली समटाइम क्वेश्चन आर्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑल्सो, सो एज हो जाती है इसकी। अभी हमने देखी थी सुपरा पंचेस फॉर्मेशन तक हमारी एज हो गई थी अपर परमियर टू ट्रायसिक, तो अब इसमें आती है मिडिल ट्रायसिक, ये आती है हमारी मिडिल मिडिल ट्रायसिक, दैट इज मिडिल ट्रायसिक, दैट फिर मिडिल टू अपर ट्रायसिक, देन हियर इट इज अपर ट्रायसिक टू लोअर क्रिटेशियस, अपर ट्रायसिक टू लोअर क्रिटेशियस ऑफ परसोरा फॉर्मेशन। देन बंसा चंदिया इज वेल नोन फॉर व्हाइट क्लेसी, वेट क्लेई एंड क्वार्ट्ज सैंडस्टोन, एजनाइट्स वगैरह भी मिलते हैं। इन्वायरमेंट कैसा होता है? अगर नीचे जैसे कि लोअर गोंडवाना का हमने इन्वायरमेंट बताया तो वो था हमारा ग्लेशियल, अपर की बात करें दैट इज एरिड इन्वायरमेंट, दैट इज एरिड इन्वायरमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी एज की ऐसे की, तो लेमिटा, लेमिटा इज वेल नोन मराइन फ्लूवियल, बात करें फ्लूवियल फ्लूवियल होते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं अभी लेमिटा के बारे में। इसकी एज हो जाती है लेमिटा की दैट इज अपर क्रिटेशियस, अपर क्रिटेशियस, देन डेकन ट्रैप। डेकन ट्रैप्स की एज हो जाती है हमारी वेल नोन फॉर पैलियोसिन टू अपर क्रिटेशियस, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में डेकन ट्रैप, बिकॉज ये पूरा ट्रैप अलग से हो जाते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ये हो जाते हैं हमारे फॉर्मेशंस। अब बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन में से कुछ और, जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे कुछ में दिया हुआ है महादेव, मलेरी, तो इसमें आता है पंचेत एंड मलेरी, राजमहल, इसमें ये हो जाता है हमारा राजमहल, राजमहल एंड कोटा, एंड जबलपुर इज फर्दर चौगांव, जबलपुर एंड उमिया, उमिया जोरासिक वाला होगा, हम आगे जोरासिक में कवर करेंगे इसे। सो ये इंपॉर्टेंट हमारे होता है अपर में, आपको ये जानना जरूरी है ये फॉर्मेशन। और हमने फ्लोना की बात जो करी थी, फ्लोरा एंड फोना में, तो इसमें ग्लॉसोप्टेरिस नीचे था हमारे और अपर में आता है टीलोफाइलम। वेल नोन इंडिकेटर ऑफ अपर गोंडवाना। अब हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट ट्रैप्स की, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, अब हम इसे न्यू बोर्ड में देख लेते हैं, दैट इज तो इंपॉर्टेंट इसमें से इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, जैसे कि कुछ परमो कार्बोनिफेरस में कुछ इंपॉर्टेंट बेड्स आ जाते हैं, दैट इज उमरिया, उमरिया मराइन बेड्स, उसके बारे में देख लेते हैं। उमरिया मराइन बेड्स, इसकी एज होती है परमो कार्बोनिफेरस, परमो कार्बोनिफेरस, ये इंपॉर्टेंट क्यों आते हैं? बिकॉज इसके समटाइम शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं इसमें, जीएसआई में इसमें शॉर्ट नोट भी आ चुका है उमरिया की एज क्या होती है, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उमरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 मीटर थिक सक्सेशन। कैसा होता है? 3 मीटर थिक सक्सेशन होता है मराइन स्ट्रेटा का, फाउंड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। कहाँ पर मिलता है ये? उमरिया डिस्ट्रिक्ट एमपी में। एंड उमरिया मराइन बेड्स ओवलाइज तालचीर बोल्डर बेड एंड पासिस ग्रेजुअली इन टू ओवरलाइंग बराकर, रॉक्स ऑफ गोंडवाना, बराकर हमने पढ़े अभी लोअर गोंडवाना में, करवरी बराकर, KBBR, तो उसमें बराकर इसके ऊपर लाई करता है, ओवरलाई, एंड कंसिस्ट ऑफ सैंडस्टोन एंड क्ले विद फॉसिल लाइक प्रोडक्टस। कौन कौन से फॉसिल मिल जाते हैं इसमें? प्रोडक्टस, प्रोडक्टस एंड स्प्रीफर, प्रोडक्टस एंड स्प्रीफर। एज हमने बता दी इसकी परमो कार्बोनिफेरस एज हो जाती है। इसका कुछ फॉर्मेशन इस टाइप से हो जाता है, जैसे कि तालचीर बोल्डर बेड, इसके नीचे लाई करते हैं हमारे, ऊपर लाई करते हैं इसके उमरिया, और इसके अंडरलाइंग है मनेन्द्रगढ़। That is मनेंद्र। मनेंद्रगढ़। So, मनेंद्रगढ़ की हम बात करेंगे इस पे, मनेंद्रगढ़ उमरिया, इस पर दोनों में शॉर्ट नोट्स आ चुके हैं जीएसआई में भी, सो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा 5 मीटर थिक सक्सेशन हो जाता है मनेंद्रगढ़ सक्सेशन, फाउंड एट द बॉटम पार्ट ऑफ तालचीर फॉर्मेशन एंड ओवरलाइंग
किसकी ओवरलाइंग है, दैट इज ओवरलाइंग आर्कियन, इसके नीचे क्या होते हैं आर्कियन एज के रॉक मिल जाते हैं मनेन्द्रगढ़ के, दैट आर्कियन एंड दे कंसिस्ट ऑफ ब्लैकिश शेल एंड ऑलिव गिल, कैसे ब्लैकिश शेल एंड ऑलिव ग्रीन, दैट इज ऑलिव ग्रीन शेल एंड फॉसिल ऑफ किसमें, इसमें जैसे कि हमने बताया प्रोडक्टर एंड स्प्रीफर फॉसिल मिलते हैं उमरिया में, और हम बात करें मनेन्द्रगढ़ की तो इसमें मिलते हैं हमारे पैक्टन, पैक्टन के फॉसिल। अब बात करेंगे उमरिया में ही, अपर गोंडवाना में, ये तो लोअर गोंडवाना का पार्ट है, किसके लोअर गोंडवाना है ये, लोअर गोंडवाना, अपर गोंडवाना में सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज अपर गोंडवान में कुछ आ जाते हैं, दैट इज राजमहल, राजमहल की बताया था, राजमहल टैप्स, इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है राजमहल टैप्स पे भी। तो ये कैसे सब डिवाइडेड, इट इज डिवाइडेड इनटू सम इम्पोर्टेंट लोअर ट्रैप फ्लो, जैसे कि लोअर ट्रैप फ्लो ऑफ वन, मतलब डिफरेंट टाइप के ट्रैप्स में डिवाइडेड है राजमहल ट्रैप, राजमहल इसके अंडरलाइन क्या हो जाता है, राजमहल ट्रैप के अंडरलाइन हो जाता है दैट इज डुबराजपुर, डुबराजपुर फॉर्मेशन, इस पर 2018 गेट में भी क्वेश्चन आया था, डुबराज फॉर्मेशन की एज पूछी गई थी, तो एज हो जाती है इसकी ट्रायसिक टू लोअर जोरासिक, ट्रायसिक टू लोअर जोरासिक, डुबराजपुर फॉर्मेशन। इसकी अगर कुछ बात करते हैं, फॉसिलीफेरस मिलते हैं, फॉसिलीफेरस सिल्टीस्टोन मिलते हैं इसमें, सिल्टीस्टोन एंड पेबली सैंडस्टोन, शैली एंड क्लेई बेड्स, शैली एंड क्लेई बेड्स, क्लेई बेड्स जो कि इसमें मिलते हैं हमारे किसमें, राजमहल ट्रैप्स में। अब बात करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फौनाज की, तो लोअर गोंडवाना में हमने बताया ऐसे कि लोअर गोंडवाना में इज वेल नोन फॉर ग्लॉसोप्टेरिस एंड गंगोप्टेरिस, ग्लॉसोप्टेरिस ये तो आपको नाम पता होना चाहिए, एंड गंगमोप्टेरिस, वेल नोन फॉर लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना की बात करेंगे हम तो टीलोफाइलम, क्या मिलता है अपर गोंडवाना में, दैट इज टीलोफाइलम, एज वेल एज अपर गोंडवाना की बात कर रहे हैं हम, टीलोफाइलम प्लस ओटोजामेट, ओटोजामाइट्स एंड डाइक, तो इक्टोयामाइट्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपर गोंडवाना के, फ्लोरा की बात करेंगे हम। अब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि इसके ग्रुप के बारे में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ यस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है इसकी, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या मिलता है, इकोनॉमिक में वेल नोन फॉर कोल, आयरन स्टोन, आयरन स्टोन पता है आपको बैरन विजन में मिलते हैं, आयरन स्टोन, शेल्स, क्ले, लैम्प्रोफायर भी मिलता है इधर, इग्नियस रॉक है, एम्प्रोफायर, इसमें मिलते हैं हमारे माइका बायोटाइट एटसेट्रा एंड कोल बेड मीथेन इन करनपुरा, करनपुरा हमने बात की थी, ये रहा करनपुर फॉर्मेशन। अब हमारा गोंडवाना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट होते हैं, बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन की, दैट इज क्विज टाइम, तो इसमें आप आंसर बताएंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अगर वीडियो प्रॉपर देखेंगे तो यू कैन इजीली गिवन ऑल दिस, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट गेट क्वेश्चंस हैं ये सारे जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, दैट इज द एज ऑफ मोस्ट बिटुमिनस कोल सीम्स इन इंडिया, यू कैन इजीली एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, द सेकेंड द गोंडवाना सेडिमेंटेशन इन इंडिया इज करेक्टराइज बाई, द गोंडवाना सेडिमेंटेशन इन इंडिया इज करेक्टराइज बाई, किसके बेसिस पर करेक्टराइज किया गया है गोंडवाना के सेडिमेंटेशन को, नाउ यू कैन इजिली एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट ऑल्सो, ये रेड मार्क किया गया बिकॉज इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी हमने भी जोर दिया है इस वीडियो में. इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टार मार्क है बिकॉज ये टू टाइम्स, मोर देन टू टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसकी, इसी के ऊपर, फॉसिल, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल, लोअर गोंडवाना, अपर गोंडवाना. सो यू कैन इजिली गिव द आंसर अपर एंड विद रेस्पेक्ट टू अपर एंड लोअर गोंडवाना के रेस्पेक्ट में कौन से फॉसिल मिलते हैं. लोअर गोंडवाना में विच वन इज फॉसिल फाउंड इन लोअर गोंडवाना एंड विच वन इज अपर गोंडवाना. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मराइन डिपॉजिट्स. नाउ यू कैन ऑल्सो गिव द आंसर दैट मराइन डिपॉजिट ऑल्सो, कि इसमें से मराइन डिपॉजिट हमारा कौन सा है. सो ये था हमारा गोंडवाना के बारे में आज का हमारा टॉपिक. तो ये था हमारा आज का गोंडवाना के बारे में. ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में. अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, वो अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं तो वी फील लाइक वी आर डूइंग समथिंग हेल्पफुल. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड कीप शेयरिंग.